हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है 11:30 बजे से। 11:30 बज चुके हैं फ्रेंड्स, और मैं नहा धो के मेरे सारे घर का काम कम्प्लीट करके रेडी हो चुकी हूँ, और मैं मंदिर जा रही हूँ फ्रेंड्स। आज है मंडे, तो सावन का दूसरा सोमवार है फ्रेंड्स, तो मेरा फास्ट है, तो मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हो गई हूँ फ्रेंड्स। और आज पहनी है मैंने चुनरी की साड़ी। पिछली बार मैंने लहरिया पहना था, आज मैंने चुनरी की साड़ी पहनी है ना फ्रेंड्स, राजस्थानी चुनरी की साड़ी। तो फ्रेंड्स, अनुषा भी रेडी हो गई है, मैं और अनुषा मंदिर जा रहे हैं। और मौसम ठीक है, अच्छा है, धूप नहीं है, तो चले आते हैं मंदिर में पूजा करके। क्योंकि पिछली बार भी हम लेट हो गए थे, तो मंदिर यानी दिखा नहीं पाए आप लोगों को, जल्दी से पूजा करके आ गए थे, बारिश भी हो रही थी। तो चलो फ्रेंड्स, ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से लिखना, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना फ्रेंड्स। तो चलो हम चलते हैं। इधर में मैंने पूजा की टोकरी भी रेडी कर ली है फ्रेंड्स, तो फ्रूट्स मुझे बाहर से लेना है, बाहर से लूँगी, क्योंकि फ्रूट्स मेरे घर में ख़त्म हो गए हैं, रात को मुझे याद नहीं आया, तो अभी मैं बाहर से लूँगी। और चलते हैं, मेरी टोकरी भी रेडी है पूजा की, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो मंदिर में जाके मिलते हैं आपसे, और भोलेनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। हम रेडी हो गए हैं, अनुषा जा चुकी है नीचे, तो मैं भी चलती हूँ, और मिलते हैं आपको मंदिर में जाके। बंद कर ले दरवाजा, अनुषा आगे चली गई है, तो चलो नीचे उतरते हैं और मंदिर में भोलेनाथ जी के दर्शन करवाते हैं आप लोग। आ गया है हमारा, ये देखिए हरि मंदिर। चलते हैं मंदिर के अंदर, तो यहाँ पे हम फूल माला ले लेते हैं फ्रेंड्स। फूल माला लेके नहीं आई थी मैं, ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम मंदिर में आ गए और चलते हैं अंदर पूजा करने के लिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम मंदिर में आ गए हैं, और मंदिर में काफ़ी भीड़ हो रखी है फ्रेंड्स, क्योंकि सावन चल रहा है, तो सभी लोग भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने आते हैं, पूजा करने आते हैं फ्रेंड्स, और फास्ट भी रखते हैं सभी लोग। तो मैं भी पूजा कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और पिछली बार मैं यहाँ मंदिर में आई थी फ्रेंड्स, पर मंदिर बंद हो चुका था, और मुझे बारिश की वजह से लेट हो गया था, क्योंकि मैं 12:30-1 बजे ही घर से निकली थी, तो 1:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को मंदिर नहीं दिखा पाई थी, सॉरी। और हमारे जो पास में नज़दीक में मंदिर था, मैं उसी में ही पूजा करी थी फ्रेंड्स। तो चलो मैं पूजा कर लेती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो गई है, और भोलेनाथ जी की पूजा कर ली है फ्रेंड्स, हमारी पूजा संपन्न भी हो गई है, और आ गए हम मंदिर में। और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है फ्रेंड्स, हॉल है काफ़ी, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लगी हुई है सभी भगवान की। और यहाँ पे जो भी मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाने आते, पूजा करने आते हैं, तो यहाँ भी भगवान के दर्शन करके जाते हैं फ्रेंड्स, और करना भी चाहिए है ना। तो मैं भी यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ, और सभी भगवान के आगे माथा टेक लेती हूँ फ्रेंड्स। और ये बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा हॉल है फ्रेंड्स ये, तो यहाँ पे सभी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और रोज़ तो खैर आना नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, तभी जब भी कोई जैसे सावन हो गया, फास्ट वगैरह होता है, तो बड़ा फेस्टिवल होता है, तो ज़रूर आती हूँ मैं हमेशा यहाँ पे। तो चलो फ्रेंड्स, हम कर लेते हैं पूजा, और आप लोग भी हमारे साथ में सभी भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए, माथा टेक लीजिए। पूजा हो गई हमारी, और आ गए हम मंदिर से, और अब घर चलते हैं ना। काफ़ी भीड़ हो गई थी ना हमारे आते, पिछली बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और बारिश की वजह से हम दर्शन भी नहीं कर पाए थे, और पूजा भी नहीं कर पाए थे यहाँ पे है ना। चलो फ्रेंड्स, अब घर जाके मिलते हैं, यहाँ पे सड़क पे काफ़ी भीड़ है। पूजा हो गई हमारी, और आ गए हम घर पे, और आप लोगों को भी हमारे मंदिर के दर्शन करवा दिए है ना फ्रेंड्स। तो अब दरवाज़ा खुलवा रहे हैं, आज दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, क्या कर रहा है इतनी देर से। तो फ्रेंड्स, आ गए हम घर पे, और पूजा हमारी मंदिर में तो हो गई है फ्रेंड्स, और वो ये पिछले बार की तरह मैं कहानी सुनूंगी, उसके बाद में चाय पानी पीऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ब्लॉग में बने रहिए, और कमेंट करके बताना फ्रेंड्स, हमारे मंदिर में आपको भोलेनाथ जी के दर्शन करके कैसा लगा है फ्रेंड्स, कमेंट जरूर से करना। ओके फ्रेंड्स, हर हर महादेव जरूर लिखना कमेंट में। तो मैं सुन लेती हूँ अब कहानी, और फिर मिलूंगी आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है संपन्न, मंदिर में भी पूजा करके आ चुके हैं, और घर पे आके मैं कहानी भी सुन ली हूँ फ्रेंड्स,
और अब मैं बनाऊंगी चाय वाय, क्योंकि सुबह से भी चाय वाय नहीं पिए, तो अभी चाय या दूध जो भी है पी लेते हैं, बना लेती हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मिलूंगी मैं डायरेक्ट शाम को मिलूंगी, क्योंकि आयुष की क्लास होने वाली है फ्रेंड्स, तो मैं दिन में कोई भी यानी कि वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी, तो सीधा मैं डायरेक्ट शाम को मिलने वाली हूँ। तब तक प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम के बज चुके हैं 5:30 और फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने, और मेरे घर में सब लोग सोए हुए हैं मेरे को छोड़ के, मैं नहीं सोई हूँ, बाकी सब लोग सोए हुए हैं फ्रेंड्स। और मैं आ गई हूँ किचन में, किचन में ही हूँ मैं इतनी देर से। और फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले बना ली अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे चाय पीनी है, मुझे हेडेक हो रहा है, मैंने अभी अभी दवाई खाई है फ्रेंड्स सर दर्द की, तो सबसे पहले मैं चाय पीऊंगी। इधर में मेरा दूध भी गर्म हो गया है, और इधर में फ्रेंड्स मैंने कुकर में पानी चढ़ा दिया है जिसमें मैं छोले बॉईल करूंगी। देखिए मैंने सुबह ही छोले भी बो दिए थे काले चने, तो इनको मैं बॉईल करूंगी और छोले बनाऊंगी। और सब्जी में बनाऊंगी फ्रेंड्स मैं भिंडी जो मैंने धो के रख दी है, और बनाऊंगी फ्रेंड्स मैं खीर। खीर बनाते हैं ना सावन में, खीर खाते हैं, तो फर्स्ट वाले सोमवार को मैंने नहीं बनाई थी खीर, और आज मैं बनाऊंगी खीर। इधर में मैंने दूध भी निकाल लिया है, 2 किलो दूध है ये 2 लीटर, और इधर में मैंने ड्राई फ्रूट्स भी काट लिए हैं, काफ़ी तैयारी कर ली है, तो मुझे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलो फ्रेंड्स टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले चाय पीते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए आप लोग, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं क्या क्या बना रही हूँ। चाय वाय हो गई है, और चाय के बर्तन भी मैंने क्लीन कर लिए हैं, और इधर में फ्रेंड्स मैंने सब्जी भी काट ली है, भिंडी काट ली है ना, और इधर में मैंने ऑयल चढ़ा दिया है 1 चम्मच कढ़ाई में, और इधर में मेरी खीर भी बन गई है, बस थोड़ी कसर बाकी है, तो ये बन रही है अभी, इसको बनने देती हूँ। इधर में मेरे छोले भी बॉयल हो गए हैं फ्रेंड्स, देखिए छोले अच्छे से बॉयल हो गए हैं, ये देखिए अच्छे से टूट रहे हैं ना। और अब मैं बना लेती हूँ सबसे पहले छोले, उसके बाद में बनाऊंगी सब्जी, और फिर मैं बनाऊंगी रोटी। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम हो गया है, क्या टाइम हो गया है, 7:45 बज गए हैं, और आयुष उठ गया है सो के, अनुषा नहीं उठी अभी, तो मैं बना लेती हूँ खाना, और फिर क्योंकि जल्दी से बना लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो जाएगा 8:30, तो उससे पहले पहले मैं बच्चों को भी खाना वाना खिला दूंगी बना करके। तो चलो मैं बना लेती हूँ, तो फ्रेंड्स बना लेते हैं हम खाना। और इधर में मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स छोले, और एक साइड में मेरी खीर बन रही है, और छोले में फ्रेंड्स मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, और मैंने हरी मिर्ची काट के डाली है बस, और छोले भी डाल दिए मैंने, और मसाले भी ऐड कर दूँगी, और बिना लहसुन प्याज का भगवान को भोग लगेगा ना फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बिना लहसुन प्याज का बना रही हूँ, और बहुत अच्छा बनता है बिना लहसुन प्याज के भी। तो छोले तो मैं बिना लहसुन प्याज के ही बनाऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि भिंडी में तो लहसुन नहीं डालती हूँ, प्याज तो मैं डालती हूँ, और इधर में मेरे छोले मैं मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंड्स, और बन चुके हैं मेरे छोले, और मैं डाल लेती हूँ इसको डोने में, और इधर में इसी कढ़ाई में मैं बना लूँगी फ्रेंड्स भिंडी, और फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि फिर बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो जाएगा ना, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ फ्रेंड्स। और इधर में मैं भिंडी को भी बना के रेडी कर लेती हूँ, और फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, बना लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है, देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई है फ्रेंड्स, भिंडी की सब्जी बनाई है, और इधर में बनाए मैंने आज छोले जो बिना लहसुन प्याज के हैं फ्रेंड्स, छोले भी मेरे बन गए, हरी मिर्ची डाली है मैंने इसमें, और इधर में बन गई है मेरी खीर। आज भी मैंने स्पेशल वाला डिनर बनाया है फ्रेंड्स, आज सभी लोग आ जाइए, सावन में बनाइए, मैंने आज खीर बनाई है, सावन में कहते हैं खीर बनानी चाहिए, तो मैंने आज खीर बनाई है फ्रेंड्स, आ जाइए सभी लोग मेरी यूट्यूब फैमिली। और इधर में मैंने आटा भी गूंद लिया है फ्रेंड्स, तो चलो मैं बनाऊंगी रोटी, पूड़ियाँ नहीं बनाऊंगी आज, मैं आज रोटी बनाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी भी हो रही है तबीयत ख़राब, व्रत भी था तो सुबह से काम में लगी हुई हूँ, तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है फ्रेंड्स, तो चलो मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। ये इधर बच्चे भी खेल के आ चुके हैं फ्रेंड्स, और आइस देखो लेटा हुआ है ये, तो अनुषा कर रही है ट्यूशन की तैयारी, कल इसके टीचर ने जो भी इसको होमवर्क देके गए थे उसी को रीड कर रही है ये, और अभी इनके ट्यूशन टीचर भी आने वाले हैं 8:30, तो तब तक मैं इनके लिए बना देती हूँ यम्मी यम्मी खाना, है ना, है ना, रोज़ इनको यम्मी यम्मी खाना चाहिए,
तो बन जाता है। बस थोड़ी देर में बना के पहले बच्चों को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खा लूँगी, बना दूँगी। तो चलो फ्रेंड्स, बना लेते हैं हम खाना। और ये देखो, इसको तेरे को कुछ नहीं दिया है टीचर ने, पहले कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, पहले ही कर लेता है। चलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं किचन में और बना लेते हैं हम खाना। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन कर दिया है और तवा भी चढ़ा दिया है, तो मैं रोटियां बना लेती हूँ क्योंकि टाइम हो जाएगा, बच्चों की ट्यूशन का भी टाइम होने वाला है। फ्रेंड्स, 7:45 बज चुके हैं और फिर मुझे भी फास्ट खोलना है। मैंने मेरी संध्या पूजा भी कराई हूँ और अब मैं फास्ट खोल लूँगी फ्रेंड्स। तो पहले मैं सबसे पहले रोटियाँ बना लेती हूँ ना, क्योंकि बच्चों को भी लेट हो जाएगा, नहीं तो फिर वही 9:30 बजे खाना खाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, मैं बना लेती हूँ सारी रोटियाँ। तो फ्रेंड्स, मेरी कुछ रोटियां तो बन गई हैं, तो मैं बच्चों को डाल देती हूँ क्योंकि इनके ट्यूशन का टाइम होने वाला है। तो मैं बच्चों को खाना डाल देती हूँ, मैं बाद में खाऊंगी फ्रेंड्स, है ना। तो पहले इनकी पेट पूजा करा देती हूँ। तब मैं छोले डाल दिए मैंने, तो फ्रेंड्स मैंने डाल दिया है बच्चों की प्लेट, देखिए लगा दी है मैंने दोनों की, है ना। और अब इनको दे देती हूँ क्योंकि इनका ट्यूशन का टाइम होने वाला है, मैं तो खा लूँगी थोड़ी देर बाद भी, है ना। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं सारा खाना बना के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स, फाइनली सारा खाना बन गया मेरा, देखिए रोटियाँ भी बन गई, टिफिन में रख दिया है मैंने। और अब मैं भी डाल लेती हूँ फ्रेंड्स खाना, बच्चे बाहर खाना खा रहे हैं और मैं भी अपने लिए डाल लेती हूँ क्योंकि टाइम हो गया, 8:15 बज चुके हैं और मैं भी अपना फास्ट खोल लेती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने भी डाल ली अपनी प्लेट, रेडी कर ली है और अब चलते हैं अंदर रूम में और वहीं रूम में जाके खाऊंगी क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यानी मैं तो पसीने में सारी भीग गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं खाना खा लेती हूँ। और तो फ्रेंड्स, मैं नीचे बैठ के खाना खा रही हूँ, देखो नीचे बैठ गई हूँ मैं। और ये रही मेरी प्लेट खाने की, और खा लेते हैं फ्रेंड्स, बच्चे बाहर खा रहे हैं, मैं भी अंदर आ गई हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे किचन में, तो चलो फ्रेंड्स मैं खा लेती हूँ खाना, फास्ट खोल लेती हूँ सुबह से, अब जाके मैं खाना खाऊंगी फ्रेंड्स, 8:30 बजने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा हो गया फाइनली खाना फिनिश और मैंने 2 रोटी खाई है, 3 रोटी लेके आई थी मैं, 2 ही खा पाई हूँ, 1 रोटी मैंने बचा दी है फ्रेंड्स, नहीं खाई जाती है क्योंकि सुबह से भूखे थे ना, तो इतना खाने का मन नहीं किया मेरा, तो मैंने खा ली है, जितना मेरे को ज़रूरत थी उतना मैंने खाना खा लिया है फ्रेंड्स। और अब करना है मुझे बर्तन क्लीन, तो अब चलते हैं किचन में, अब किचन में चलते हैं फ्रेंड्स और करेंगे। देखो बर्तन भी हो गए, मैंने इतने सारे बर्तन पहले क्लीन कर लिए थे, अब वापस से बर्तन हो गए हैं, तो बर्तन मैं क्लीन करूँगी, रोटी को मैं रख देती हूँ इधर, है ना। और फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग का भी कर देती हूँ एंड, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 8:30 बज चुके हैं, ट्यूशन टीचर आने वाले हैं इनके। तो आशा करती हूँ मेरा आज का यह सावन का सोमवार वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करना फ्रेंड्स। और तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।